हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू स्टॉक चैलेंज। तो दोस्तों, जो इन्वेस्टर आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं और ज़्यादातर आईपीओ में ही इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एक छोटा सा मिनी वेकेशन आप कह सकते हैं आईपीओ का हुआ था लास्ट में, जो तीन चार आईपीओ है उसके बाद में कोई आईपीओ नहीं रहता। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैंपस शूज़ का आईपीओ आने की तैयारी। अगले हफ्ते इसमें आपको निवेश करने का मौका मिल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पॉट और एथलेजर फुटवियर कंपनी कैंपस एक्टिव वियर का पब्लिक इशू 26 अप्रैल को खुलने वाला और 28 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इससे इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे और इसका लेटेस्ट जीएम पे भी क्या चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, अब इसकी कितनी डिमांड है और आपको कितना लिस्टिंग गेन यहाँ से मिलने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ कैसा है, पूरी डिटेल में बात करने वाले। वीडियो पर लास्ट तक बनाना, वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर नजर डालेंगे, उसके बाद कंपनी का कामकाज क्या है वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले। तो सबसे पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। देख लीजिए आईपीओ ओपन कब हो रहा है, 26 अप्रैल को। 28 अप्रैल को एक क्लोज हो जाएगा। आईपीओ की साइज 1394 करोड़ है। यहाँ पर फ्रेश इश्यू अभी नहीं दिया गया है। ऑफर ऑफ सेल आप देख सकते हैं, इतने इक्विटी शेयर्स यहाँ से सेल किए जाएंगे और फेस वैल्यू आप देखेंगे 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर से। प्राइस बैंड जो है बहुत ही अच्छा है, 278 से 292। तो अगर आप चाहते हैं कि आईपीओ में आप अप्लाई करो और आपको आईपीओ मिल जाए तो हमेशा आपको ये वाली प्राइस पर, कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है। जब भी आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ का निशान आता है इस तरीके का चेक मार्क, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो उससे क्या होगा, कट ऑफ प्राइस पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोनों जगह इसकी लिस्टिंग है और जो रिटेल कोटा है जो आपके लिए रखा गया रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ साथ QIB कोटा देखेंगे तो 50% है, NII कोटा 15% के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ से। अब बात करेंगे एक लोट अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक लोट में आपको कितना शेयर्स मिलेगा, ये सबके मन में सवाल आता है। किस किस के मन में आता है कमेंट कर देना। तो एक लोट के अंदर 51 शेयर आपको दिए जाएंगे, उसकी प्राइस आपको चुकानी होगी यहाँ पर 14,892 रुपये अगर आप एक लोट के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर आप मैक्सिमम लोट लेना चाहते हैं तो 13 लोट ले सकते हैं, मिनिमम लोट लेना चाहते हैं तो एक लोट ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता आईपीओ के अंदर एक लोट, एक शेयर नहीं मिलता, एक लोट होता है। लोट के अंदर जितने शेयर होते हैं उतने आपको मिलते हैं। तो 13 लोट अगर आप लेते हैं तो उसमें शेयर 663 आएंगे, जिसके लिए आपको 1,93,596 रुपये चुकाने होंगे। आप यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस बैंड अनाउंसमेंट 20 तारीख को हो गया था, एंकर इन्वेस्टर की अलॉटमेंट 25 तारीख को होगी, वहीं आईपीओ ओपन होगा 26 को, 28 को क्लोज होगा। और अगर जिसने इसमें अप्लाई किया है तो उनकी अलॉटमेंट जो 4 तारीख को जिसको मिल जाएगा अलॉटमेंट हो जाएगी, जिसको नहीं मिलता उसका रिफंड 5 तारीख को आ जाएगा। आपके डीमैट अकाउंट में 6 तारीख को क्रेडिट, यहाँ पर शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे शेयर। और इसकी जो लिस्टिंग है फाइनली 9 मई के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाने वाली है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी कामकाज क्या करती है, उसके बाद में आपको यहाँ से सोचना है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, एक फुटवियर कंपनी है ये और फुटवियर बनाती है, स्पोर्ट्स वियर बनाती है। इसके साथ साथ कुछ और डिटेल्स पर नज़र अगर डालेंगे तो यहाँ पर कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट पर अगर नज़र डाले जाए, देख लीजिए 2019, 2020, 21 और 22 के हाफ क्वार्टर का यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। तो 3 साल का पिछला रिकॉर्ड रेवेन्यू देखेंगे तो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। एक्सपेंस देखेंगे लगातार बढ़ रहे, पेड देखेंगे लगातार आपको अच्छी कंडीशन में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ साथ यहाँ पर कंपनी का कामकाज तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ी सी इसके बारे में न्यूज़ पर और डिटेल्स में बात कर लेते हैं। देख लीजिए, स्पोर्ट जूते बनाने वाली जानी मानी कंपनी है कैंपस शूज़, इसका जो आईपीओ है उसका सस्पेंस खत्म हो गया। दिल्ली की ये कंपनी है दोस्तों, यहाँ पर ये दिल्ली की कंपनी अगले हफ्ते शेयर बाजार में अपने आईपीओ को लेकर के आएगी और लिस्ट हो जाएगी। ऑफर ऑफ सेल पूरा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके तहत कंपनी प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो निवेशकों को बेचेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझ लेनी आपको, जो भी आप निवेश करेंगे वो सीधा कंपनी के उसमें पैसा नहीं जाने वाला, कंपनी अपने कामकाज में लेने वाली नहीं है। यहाँ पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो 78% के आसपास आपको देखने के मिल रही है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स यहाँ पर बेचेंगे और वही हिस्सेदारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो ये बात आपको नोट कर लेनी फ्रेंड्स ध्यान से। वहीं पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पोर्ट और एथलेजर फुटवेयर कंपनी कैंपस फुटवेयर कैंपस एक्टिवेयर का इशू प्राइस 26 अप्रैल को खुलेगा, 28 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसके साथ साथ इशू प्राइस आपने देख लिया और ऑफर ऑफ सेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है पूरी की पूरी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं किस प्रमोटर के पास कितने परसेंट हिस्सेदारी और कितने परसेंट ये बेचने वाले हैं, पूरी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ में कंपनी आगे आने वाले समय में पश्चिम और दक्षिण भारत में अपने कारोबार का जो है विस्तार करने वाली, दिल्ली के स्पोर्ट और एथलेजर फुटवेयर कंपनी अपने नेटवर्क को बढ़ाने और पश्चिम व दक्षिण भारत में पैड बढ़ाने पर विचार करें। इसके अलावा कैंपस शूज़ की योजना महिलाओं और बच्चों के महंगे आइटम्स
वाले बिजनेस में उतरने की है। कैंपस एक्टिव वियर के CFO रमन चावला हैं। इनके मुताबिक प्रीमियम बिजनेस के भुगतान और महिलाओं और बच्चों से जुड़े अन्य कंज्यूमर सेगमेंट में विकास के लिए कंपनी काम करती रही। कंपनी को अब 20% बिजनेस डिजिटल सेल्स से मिल रहा है। यह पिछले 3 साल में 20 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ हो गया। तो दोस्तों जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ से 20 करोड़ से इन लोगों ने स्टार्ट किया था, 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट वहाँ से डिजिटल सेल्स के द्वारा ही कमा रहे। और कंपनी आगे आपने देखा है महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जो सेगमेंट उनमें भी काम करने वाली, इसके बेसिस पर आप यहाँ पर कह सकते हैं जो कंपनी का काम काज है भविष्य में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और जैसा कि आप जानते हैं अभी सब ज़्यादातर पब्लिक जो भी कुछ सामान है 50% से ज़्यादा पब्लिक ऑनलाइन ही मंगाती है, तो इसके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि कंपनी की डिमांड बहुत रहने वाली है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट आप करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर अभी इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम मैं आपको बता देता हूँ कितना, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कितना यहाँ से ले जाने वाले। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर है तो फिर अच्छा खासा आपको यहाँ से मिलने वाला, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए देख लीजिए 15% लिस्टिंग गेन यहाँ से दिखा रहा है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं तो 15% लिस्टिंग गेन मिलेगा। IPO की प्राइस 292 है कट ऑफ, उसके हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 रुपये, तो 51 शेयर का लोट है। तो 51/50 अगर आप फ्रेंड्स यहाँ से करते हैं तो आपको 2550 रुपये एक शेयर पर अभी का प्रॉफिट आपको दिखा रहा है। जब इसकी लिस्टिंग डेट नज़ीक आएगी और कितना इसमें सब्सक्रिप्शन होता है उसके आधार पर जो इसका GMP वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। तो बहुत ही ओवरऑल आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा IPO और यहाँ से अभी लिस्टिंग गेन भी अच्छा खासा दिखा रहा है। तो अगर आप इससे इंटरेस्टेड हैं तो इस पर नज़र बना करके रखिए, और कौन कौन इसमें अप्लाई करने वाला है कमेंट करके ज़रूर से बताना फ्रेंड्स।